ऐसा लगता है बारिश आने वाली है। बारिश से मौसम कितना खुशनुमा हो जाता है ना? तू तो बारिश का नाम भी मत ले, मुझे तो बारिश के नाम से ही डर लग रहा है। पता है बारिश हम गरीबों के लिए कितनी मुसीबत लाती है? हमारे घर की छत बारिश शुरू होते ही टपकने लगती है। मुझे तो डर है कहीं इस बार की बारिश से हमारे घर की छत ही कहीं ना टूट जाए। ओफो, तू भी ना प्रिया बड़ा डरती है। बोला घर की छत इतनी कमजोर थोड़ी ना होती है जो बारिश के आने से ही टूट जाए। अच्छा यार प्रिया, अब मैं चलती हूँ, बारिश आने वाली है लगता है। प्रिया भी अपने घर लौट आती है, तभी बारिश शुरू हो जाती है। वो घर पहुंचती है और देखती है कि उनकी छत टपकने लगी है। हे राम, ये लो, बारिश शुरू हुई नहीं कि इस छत ने फिर से टपकना शुरू कर दिया। आने दे तेरे बाबा को प्रिया, आज ही उनसे कहकर ये छत ठीक करवाती हूँ। अरे नहीं माँ, बाबा को छत ठीक करने के लिए मत बोलना, कहीं बारिश में पिताजी का पैर फिसल गया तो। अरे तो मैं कौन सा उनको अभी ठीक करने के लिए कहूंगी, जब बारिश रुक जाएगी तब मैं उनको ठीक करने के लिए कहूंगी। शाम को मनोहर घर आता है। अरे आप तो पूरी तरह भीग गए, जाइए पहले कपड़े बदल लीजिए, नहीं तो सर्दी लग जाएगी। तब तक मैं आपके लिए चाय रख देती हूँ। मेरी छोड़ो, लेकिन ये बताओ, ये छत फिर से टपकना शुरू हो गई ना? हाँ फिर वही हाल हो गया, अभी सारे घर में पोछा लगाया है। एक काम करो, जल्दी से चाय बना दो, उसके बाद मैं छत ठीक कर दूंगा। चाय पीते ही मनोहर बाहर सीढ़ी लगाकर छत पर जाकर छत की मरम्मत करने लगता है, लेकिन बारिश होने की वजह से छत पर फिसलन हो गई, जिस कारण उसका पैर फिसल जाता है और वो छत से नीचे गिर जाता है। उसकी आवाज सुनकर प्रिया और शांति बाहर आती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? माँ मैंने मना किया था ना बारिश में बाबा को छत पर मत जाने, तो अब लग गई ना चोट। अरे अब दोनों लड़ती ही रहोगी या मुझे अंदर भी लेकर जाओगी? जैसे तैसे वो दोनों उसे अंदर लेकर आती हैं। फिर प्रिया अपने बाबा की कमर पर मरहम लगाती है, जिसके बाद उसे थोड़ा आराम मिलता है। रात में वो तीनों अपने कच्चे घर में सो ही रहे थे कि तभी बादलों की गड़गड़ाहट होने लगती है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। अब उनकी छत से हर जगह से पानी टपकने लगता है और उनके घर की छत का एक हिस्सा टूट कर गिरने लगता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये छत तो लगता गिरने वाली है। चलो चलो जल्दी से चलो यहाँ से, अब यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं। वो सभी घर से बाहर निकल आते हैं। वो बाहर आते ही हैं कि इतने में उनके घर की छत टूट कर गिर जाती है। अपनी आंखों के सामने ये सब देख वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो आप हमें समय रहते बाहर ले आए, नहीं तो आज तो ना जाने क्या अनहोनी हो जाती। लेकिन इतनी मेहनत से बनाया हुआ हमारा घर आज टूट गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे? परेशान मत हो शांति, ऊपर वाला है ना, वो कोई ना कोई रास्ता ढूंढ निकालेगा। लेकिन अब हम इतनी बारिश में कहाँ जाएंगे जी? माँ इतनी बारिश में यहाँ यूँ रुकना ठीक नहीं है, घर की मरम्मत हम बाद में करवा लेंगे, तब तक हम मेरी सहेली अमायरा के घर चलते हैं, उसका घर दूर भी नहीं है। सड़क पर घुटनों तक पानी भरा हुआ था। वो लोग उस तेज बारिश में भीगते हुए अमायरा के घर पहुँचते हैं। अमायरा जैसे ही दरवाजा खोलती है तो उन सबकी ऐसी हालत देख उन्हें जल्दी से घर के अंदर ले आती है। अरे आप सब तो बुरी तरह भीग चुके हो और इतनी रात गए यहाँ पर, सब ठीक तो है ना? प्रिया उसे सारी बात बताती है। उसकी बात सुनकर अमायरा को बहुत दुख होता है। वो प्रिया के मम्मी पापा को गेस्ट रूम में भेज देती है और प्रिया को अपने बेडरूम में ले जाती है। जो हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है जो तुम सबकी जान बच गई। और रही घर की बात, तो कुछ समय बाद घर की मरम्मत करवा लेना, ये इतना आसान नहीं है अमायरा। पहले ही बाबा ने मेरी पढ़ाई के लिए इतना कर्जा लिया हुआ है, बड़ी मुश्किल से वो हर महीने उसकी किश्त भरते हैं। आज भी बाबा छत की मरम्मत करते हुए नीचे गिर गए और उनकी कमर में चोट आ गई। वो भले ही दर्द ना होने का बहाना करते हो, लेकिन मैं जानती हूँ उनकी कमर में बहुत दर्द है। यहाँ आते हुए भी वो अपनी कमर को पकड़ते हुए चल रहे थे। मैं जानती हूँ वो कभी अपना दर्द नहीं बताएंगे। अब मैं सोच रही हूँ अगर मुझे कहीं नौकरी मिल जाती तो उन्हें आराम मिल जाता। कह तो तू ठीक रही है, ऐसा कर कल ही तू कहीं इंटरव्यू देने चली जा, क्या पता बात बन जाए। अगले दिन ही प्रिया नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाती है, लेकिन उसे वहाँ निराशा ही हाथ लगती है। देखिए अभी आपकी ग्रेजुएशन पूरी नहीं हुई है, इसलिए अभी हम आपको नौकरी नहीं दे सकते, और अगर आप नौकरी करना ही चाहती हैं तो पहले आपको 6 महीने तक ट्रेनिंग पीरियड पर रहना होगा, लेकिन तब तक हम आपको कोई सैलरी नहीं देंगे, 3 महीने के बाद ही देना शुरू करेंगे। लेकिन सर मुझे पैसों की अभी बहुत जरूरत है, क्या अभी आप मुझे सैलरी नहीं दे सकते? नहीं, हमारे यहाँ के रूल्स हैं, और आपको इतनी ही नीड है पैसों की तो आप कॉल सेंटर में जाकर पता कीजिए, शायद आपको वहाँ काम मिल जाए। वो कॉल सेंटर में नौकरी के लिए जाती है, लेकिन वहाँ का माहौल उसे पसंद नहीं आता और वो वापस आ जाती है।
वो जब वहाँ से लौट रही होती है फिर तो तेज बारिश शुरू हो जाती है। वो खुद को बचाने के लिए एक पेड़ के नीचे खड़ी हो जाती है। ये बारिश तो थमने का नाम ही नहीं ले रही। तभी उसकी नजर एक ठेले पर खड़े भुट्टे वाले पर जाती है। उसके ठेले के आसपास लोगों की भीड़ लगी हुई थी। तभी उसके मन में एक विचार आता है, इस भुट्टे वाले की तो अच्छी खासी बिक्री हो रही है, जब तक मुझे नौकरी नहीं मिल जाती तब तक क्यों ना मैं भी भुट्टे ही बेचूं। वैसे भी बारिश का मौसम है, बारिश में सबको भुट्टे खाना पसंद होता है और मुझे तो भुट्टे की भेल बनाना भी बहुत अच्छे से आता है। माँ कहती भी है कि मैं बहुत अच्छी भुट्टों की भेल बना लेती हूँ, लेकिन ये काम शुरू करने के लिए पैसे तो मेरे पास है ही नहीं। घर आकर सारी बात वो अमायरा को बताती है। अरे तो तू टेंशन क्यों लेती है, काम खोलने के लिए तुझे जो पैसे चाहिए मुझसे ले लेना और जब तेरी कमाई अच्छी होने लगेगी तो लौटा देना। अगले दिन से प्रिया सड़क किनारे गर्मा गर्म भुट्टे और भुट्टे की भेल बेचने लगती है। भुट्टे ले लो, भुट्टे की भेल ले लो। भुट्टा, मुझे गर्मा गर्म भुट्टा दे दीजिए और मुझे भुट्टा भेल बनाकर दे दीजिए। बचपन में मेरी दादी बनाती थी, अब तो कई साल हो गए इसे खाए हुए। ये लीजिए। वाह क्या स्वाद है इस भेल में, इसे खाकर तो मजा ही आ गया। अब बारिश में बहुत सारे लोग घूमते फिरते उसके ठेले पर आते हैं और उससे भुट्टे और भेल खरीदने लगते हैं। उसका काम अब बहुत अच्छा चलने लगता है, वो खूब अच्छी कमाई करती है। अब वो कुछ ही महीनों में अपने पिता का सारा कर्जा चुका देती है, साथ ही अपने घर की मरम्मत भी करवा लेती है। ऐसे ही 9 महीने बीत जाते हैं। अब वो 2 भुट्टे के ठेले खोल लेती है, जिसमें से एक उसके माँ बाबा संभालते हैं और दूसरे को वो खुद संभालती है। फिर कुछ समय बाद वो अमायरा के पैसे भी लौटा देती है। तो सच में बहुत अच्छी दोस्त है मेरी अमायरा, अगर तूने उस वक्त मेरी मदद नहीं की होती तो ना जाने आज हमारा क्या होता। ये बात सुनकर अमायरा मुस्कुरा देती है और प्रिया को गले से लगा लेती है। सुनिए अब थोड़ा रुक जाइए, आ जाइए खाना खा लीजिए। अच्छा अब क्या बनाया है आज खाने में? करारी भिंडी, आपको बहुत पसंद है ना? अरे राधिका खुश कर दिया तुमने तो, क्या खुशबू है, मजा आ जाएगा आज तो खाने में। अब बस खुशी होते रहोगे या खाओगे भी? अब तुम भी आओ ना। नहीं मैं बाद में खा लूंगी। अरे बाद बाद में नहीं, आ जाओ मेरे साथ खाओ। श्याम की जिद पर राधिका ने भी खाना शुरू कर दिया। श्याम और राधिका की शादी को 5 साल हो गए थे। वो दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। श्याम एक किसान था और खेतीबाड़ी करके अपना गुजारा करता था। श्याम दिन भर अपने खेत में काम करता और राधिका घर संभालती। खाना खाने के बाद राधिका श्याम को एकटक देखती रही। अरे अब क्या हो गया, ऐसे क्यों देख रही हो? देख रही हूँ कि आप दिन भर कितनी मेहनत करते हो और आपकी इस मेहनत का फल कोई और ही ले जाता है। अच्छा वो सरपंच की बात कर रही हो, बात तो साफ है ना राधिका, कर्जा लिया है तो पाटना तो पड़ेगा ही ना, बोलो। मैं सरपंच की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो उस किशन की बात कर रही हूँ। सारा दिन मेहनत आप करते हो और सारा मुनाफा वो लेता है। अरे तो उसमें अब मैं क्या करूँ, खेती बाड़ी छोड़ कर उस किशन की तरह सब्जी बेचने लग जाऊँ क्या? हाँ तो उसमें बुराई ही क्या है, और उसके लिए खेती छोड़ने की भी कोई जरूरत नहीं है। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि जो सब्जी आप उगाते हो उसे आप खुद ही ले जाकर बेचा करो ना। अच्छा और खेती बाड़ी कौन देखेगा? आप ही देखोगे, और जरूरत पड़ी तो मैं मदद कर दिया करूंगी। देखो चाहे थोड़ी कम ही खेती कर लो पर अपनी सब्जी आप खुद ही बेचो। मुझे एक बात बताओ जरा, इस बार वो किशन टमाटर कितने में लेकर गया आपसे? अब 50 किलो निकले थे तो वही 5 रुपए के हिसाब से लेकर गया था वो। हे भगवान, आपको पता भी है कि बाजार में इस समय टमाटर का क्या भाव चल रहा है, वो आपके ही टमाटर पूरे 5 गुना महंगे बेच रहे हैं बाजार में। अरे पर मुझे नहीं आता ये दुकान वुकान चलाना। दुकान चलाने को कौन कह रहा है, बस आप अपनी सब्जी लेकर बाजार में बैठ जाओ, लोग अपने आप आएंगे आपके पास सब्जी खरीदने के लिए। अब ठीक है, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी तुम घर जाओ। राधिका खाने का डिब्बा लेकर घर चली गई, लेकिन उसके जाने के बाद श्याम बहुत देर तक उसकी बात पर सोच विचार करता रहा। राधिका ने बात ठीक ही कही थी, पर तभी श्याम को सरपंच सूरजमल का ख्याल आया, जो कि एक नंबर का खड़ूस और लालची आदमी था। दरअसल श्याम के पिता ने अपने बुरे वक्त में कई साल पहले सूरजमल से उधार लिया था, जिसके बदले में श्याम का आधा खेत सरपंच के पास अब तक गिरवी पड़ा हुआ था। श्याम उस खेत पर खेती नहीं कर सकता था, वहाँ सरपंच के लोग ही खेती करते थे। श्याम अपना खेत वापस तो पाना चाहता था, पर सरपंच से खेत छुड़वाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, इसीलिए वो हर महीने किश्त के तौर पर एक रकम सरपंच को देता था।
फिर अगले दिन। भैया कुछ पूछना था आपसे। हाँ भैया बताओ। मैं एक किसान हूँ, सोच रहा हूँ कि कल से मैं भी अपनी सब्जियाँ यहीं बेचने लगूँ खुद से। हाँ बढ़िया विचार है, पर इसके लिए तुम्हें सरपंच जी से पूछना पड़ेगा और उन्हें यहाँ का टैक्स भी देना पड़ेगा। टैक्स? पर वो किस लिए? अरे ये जो तुम पूरा चबूतरा देख रहे हो ना, जिस पर सब लोग सामान बेच रहे हैं, असल में ये सरपंच के खेत पर बना हुआ है और ये चबूतरा भी उसी ने बनवाया है। हमारी मजबूरी है, इसीलिए हम सबको यहीं बैठना पड़ता है। रोज के 50 रुपए देने पड़ते हैं उस सरपंच को, और अगर ये पैसे नहीं दिए तो उसके लठैत आकर मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। अरे ये तो बड़ी नाइंसाफी है भैया। है तो सही, पर क्या कर सकते हैं, अब जो है मैंने तुम्हें बता दिया। श्याम मुरझाया हुआ चेहरा लेकर अपने घर चला आया। उसने राधिका को सारी बात बता दी। राधिका ने कुछ देर अपना दिमाग लड़ाया और फिर, सुनो मेरे पास एक तरीका है। अब क्या? बोलो तो। हमारे गांव के सबसे नजदीक का गांव है बिशनपुरा, आप वहां जाकर भी तो अपनी सब्जियां बेच सकते हो। वहां ये सब चक्कर नहीं है, मेरी एक सहेली रहती है वहां, उसका पति गोलगप्पे का ठेला लगाता है, उसे तो कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। अच्छा अगर ऐसा है तब तो ये सही रहेगा, लेकिन एक समस्या है, बिशनपुरा तक जाने के लिए कोई सड़क नहीं है, तो मैं रोज वहाँ जाऊँगा कैसे? सड़क नहीं है पर नदी तो है ना। देखो जिस जिस नदी के किनारे हमारे गांव बसा है, बिशनपुरा भी तो उसी नदी के दूसरे छोर पर बसा है। अब बस आपको एक नाव बनानी पड़ेगी वहाँ तक जाने के लिए, उसे चलाने में भी कोई खर्चा नहीं। श्याम को राधिका की बात भा गई। अगले ही दिन श्याम ने अपनी जमा पूंजी से मोटी रकम खर्च कर गांव के बढ़ई से एक बढ़िया नाव बनवा ली और फिर वो उस नाव को नदी में लेकर गया। उस दिन राधिका और श्याम बहुत देर तक नाव में नदी की सैर करते रहे। श्याम नाव चलाकर उसे बिशनपुरा तक घुमा लाया। राधिका ने देखा कि वहाँ राशन वगैरह की दुकानें तो थी पर सब्जी की दुकानें बहुत ही कम थी, और ये देखकर श्याम और राधिका की अच्छी कमाई की उम्मीद और बढ़ गई। अगले दिन से ही श्याम अपनी नाव से सब्जियां लेकर बिशनपुरा जाने लगा। वो वहां जाता और सब्जी बेचता। बिशनपुरा के लोगों को भी उसकी सब्जियां पसंद आई, क्योंकि सीधे खेत से लाने की वजह से वो सब्जियां बहुत ताजी रहती थी। साथ ही श्याम सब्जियों के वाजिब दाम ही लेता था। तो इस तरह राधिका और श्याम के दिन बहुरने लगे। फिर कुछ दिनों के बाद, राम राम सरपंच जी। आ गया तू श्यामू? जी मालिक। सुना है आजकल बड़े नोट छाप रहा है। कहाँ सरपंच जी, बस 2 पैसे बच जाते हैं। मालिक ये इस महीने की किस्त है। मैं चलता हूँ, मुझे थोड़ी जल्दी है। अरे रुक तो सही, कहाँ की जल्दी है, ऐसे दिमाग तो खूब लगाया तूने। टैक्स नहीं दिया, चल कोई बात नहीं, पर अपना उधार तो चुका भाई, जो तेरे बाप ने मुझसे लिया था। अब चुका तो रहा हूँ सरपंच जी, हर महीने किस्त देकर जाता तो हूँ आपको। देख अब बहुत हुआ, या तो तू मेरे पूरे पैसे एक साथ लौटा, वरना अपना खेत मेरे नाम कर दे, समझा? पर सरपंच जी। पर कुछ नहीं, 3 दिन का वक्त दिया है तुझे, जा जाकर पैसों का इंतजाम कर, वरना अपना खेत भूल जा, समझा? असल में सूरजमल श्याम से चिढ़ गया था। उसे इस बात से तकलीफ थी कि श्याम उसके बाजार में सब्जी क्यों नहीं बेच रहा है, इसीलिए अब वो उसे परेशान कर रहा था। उधर श्याम को जब कोई उपाय नहीं सूझा तो उसने तय कर लिया कि वो आधा गिरवी रखा खेत सरपंच के नाम ही कर देगा। अगले दिन बहुत भारी मन से श्याम सरपंच के पास पहुँचा। हाँ बता, फिर क्या सोचा तूने? सरपंच जी इतनी बड़ी रकम तो मैं चुका नहीं पाऊंगा, आप मुझे ले चलिए कचहरी, मैं जमीन आपके नाम ही कर दूंगा, वैसे उधार निकाल कर उसमें से कुछ पैसे बचेंगे क्या? क्यों, बस उधार ही चुकाएगा क्या, मेरा ब्याज वो कौन देगा? ठीक है सरपंच जी, मैं कल सुबह आ जाऊंगा आपके पास, चलेंगे फिर कचहरी। उस रात श्याम को एक पल के लिए नींद नहीं आई, क्योंकि उसका आधा खेत उसके हाथों से निकल रहा था और अपना खेत बचाने के लिए फिलहाल उसके पास कोई तरीका नहीं था। तभी आधी रात को उसे बादलों के बहुत तेज गरजने की आवाज सुनाई दी। कुछ ही देर में झमाझम बारिश होने लगी। बारिश बहुत तेज थी, पूरे 4 दिनों तक वो बारिश ऐसे ही होती रही और पूरा गांव बाढ़ में डूबने लगा। कचहरी जाना तो दूर, फिलहाल कोई अपने घर से बाहर तक नहीं जा पा रहा था। बाढ़ की वजह से लोगों को बहुत परेशानियां होने लगी। किसी के घर में पीने का पानी नहीं बचा था तो किसी के घर में अनाज खत्म हो गया। ऐसे में श्याम ही वो इंसान था जिसने सबकी मदद करने के बारे में सोचा। वो अपनी नाव की मदद से सबकी जरूरत का सामान उन तक पहुंचा रहा था। हर कोई श्याम की तारीफ कर रहा था और फिर, अजी सुनते हो? हाँ क्या हो गया? अरे आपने सुना क्या, सरपंच जी के घर की दीवार गिर गई है, बारिश का सारा पानी उनके घर में घुस गया है। शांता बता रही थी कि बाकी लोग तो सही समय पर निकल आए, लेकिन सरपंच जी अपने पोते के साथ घर के अंदर फंस गए हैं। अरे तो मुझे जाना चाहिए, फौरन जाना चाहिए।
इतना कहकर श्याम ने तेजी से अपनी नाव चलाई। उसने जाकर देखा तो वाकई सरपंच अपने पोते को कंधे पर बिठाए पानी में डूबा खड़ा था। वो चिल्ला चिल्ला कर मदद मांग रहा था। बाढ़ का पानी उसके गले तक आ रहा था, लेकिन श्याम फौरन अपनी नाव लेकर सरपंच के नजदीक गया और सरपंच और उनके पोते को अपनी नाव पर बिठा कर बाहर निकाल लाया। पूरे 3 दिनों तक सरपंच और उसका पोता श्याम के घर की छत पर रहे। जब पानी का स्तर कुछ कम हुआ तो श्याम ने सरपंच से कहा, सरपंच जी, अब रास्ते खुल गए हैं तो कचहरी चलें। बस करो श्याम, मेरी आंखें खुल गई हैं भाई। मैंने तुम्हें और तुम्हारे बाबा को बहुत परेशान किया, पर फिर भी तुमने मेरी और मेरे पोते की जान बचाई, मुझे माफ कर दो। और रही बात उस खेत की, तो वो हमेशा से तुम्हारा था और आगे भी तुम्हारा ही रहेगा। और हाँ, एक बात और, तुम्हें अब गाँव में जहाँ और जैसे सब्जी बेचनी है तुम बेच सकते हो, वो भी बिना किसी टैक्स के। सरपंच की बात सुनकर श्याम और राधिका खुशी से मुस्कुराने लगे।